जय श्री राम। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हिंदू रिचुअल्स परिवार के सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। दीपावली के पावन पर्व पर माँ महालक्ष्मी जी की पूजा, गणेश जी, सरस्वती जी, कुबेर जी के साथ हम स्वयं कैसे सरल रूप से करें वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पुनः निवेदन करूंगा मैं कि जैसे हम हीरा ले आते हैं और हीरे को हम एक जोहरी के द्वारा उसको छोटा बड़ा कराते हैं, ऐसे ही ऐसे पावन पर्व पर अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके उनके द्वारा ही पूजा चाहे छोटे में ही संपन्न कराना चाहिए, जो अनंत गुना फलदायी होता है। पर आप स्वयं करना चाहें किसी भी कारण से तो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आप स्नान करते हैं, स्नान करने के पश्चात वस्त्र, तो माँ महालक्ष्मी जी को पीला वस्त्र प्रिय है। पीला हो, गुलाबी हो, कमल के फूल जैसा हो, वो वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद में बाल वगैरह सही करके, टीका इत्यादि लगा करके, फिर आप पूजाशाला में आकर के कैसे तैयारी करें फिर पूजा करें मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप बैठने के लिए आसन बिछाते हैं, तो आसन ऊनी आसन होना चाहिए, इसलिए मैं तीन आसन आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बिछाया हूँ। ऊनी आसन ही उत्तम आसन है। ये सब जो आज के कल्पित आसन है, इन सब का कोई महत्व नहीं है। कभी भी पूजा कीजिए तो ऊनी आसन पर कीजिए। इसके पश्चात में आप एक चौकी रखते हैं, अगर कोई बैठने में दिक्कत है तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, टेबल पर चौकी रख सकते हैं, नहीं तो नीचे रखकर सब परिवार बैठना चाहिए। ये जो दूसरी चौकी है, भगवान को नहलाने के लिए, भोग इत्यादि लगाने के लिए रखा हूँ, इसके जगह आप पीढ़ा भी रख सकते हैं। और एक हमने सामान्य कपड़ा चौकी के ऊपर बिछाया है, क्योंकि माँ का उत्सव है तो हमें एक ऐसा वेलवेट वगैरह का अच्छा कपड़ा या इससे भी और अच्छा कपड़ा बिछाना चाहिए। और इस सेंटर में जहाँ हमारी माँ विराजमान होंगी, हमने वहाँ पर और स्पेशल रखने का प्रयास किया है। क्योंकि ये बिछा हुआ है पर मुझे थोड़ा ये पुराना सा लग रहा है, तो उत्सव है इसलिए यहाँ भी दिव्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एक वस्त्र हमने यहाँ पर बिछा दिया। अब इसके पश्चात में ये इतनी तैयारी हो गई है, तो अभी हम बाकी चीजें, जैसे सामग्री, आप भगवान को जब बैठाते हैं, आवाहन करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको स्नान कराने के लिए पात्र भी मैं ला करके रख, स्नान कराने के लिए पात्र रख दिया। इसके बाद में स्नान होगा, स्नान के बाद में उनको वस्त्र वगैरह पहनाया जाएगा। आप स्वयं अपने आप से तैयारी कर सकते हैं, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है। उनके बाद उनको वस्त्र पहनाएंगे, गणेश जी को जनेऊ पहनाएंगे, फिर टीका लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। इसके बाद में भगवान को बढ़िया से, माता जी चूंकि प्रमुख हैं तो रोज से अच्छा हमें हार लाने का प्रयास करना चाहिए, जिसको माला भी बोलते हैं, ये हमने रख दिया है। कमल का फूल मैया को बहुत प्रिय है, पहले से व्यवस्थित करके रख दीजिए। ये मोगरा का वेणी वगैरह है, आप इससे भी अच्छा ला सकते हैं। इसके बाद देसी गुलाब है, चंपा है, और भी तरह के फूल हैं। यहाँ पर ये अनाज धन धान की दृष्टि से चढ़ाना होता है, ये सब चढ़ गया। उसके बाद में आप दिया करेंगे तो दो दिया, एक दिया प्रारंभ में करना चाहिए और एक आरती बाद में करना चाहिए, जिससे आपने पहले आरती किया उसको दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। करना है तो मांझ के कर सकते हैं, फिर चूंकि दीपावली तो पंच दिया कम से कम माँ के आगे जला के रखना चाहिए। इसके बाद आप भोग लगाते, भोग की थाली बना लीजिए। यहाँ हमने पंचामृत दो जगह रखा, एक तो भगवान मैया को खिलाने के लिए यहाँ पर है, नहलाने के लिए यहाँ पर अलग अलग रख दिया है। ये गिलास रखा है माँ को भोग लगाने के लिए, दूध रखा है अभिषेक करने के लिए, ये दक्षिणा रखा है कंजूसी से थोड़ा सा ये अर्पण करने के लिए। इसके बाद में ये है पूंगी फल है, लौंग इलायची है, पान, यहाँ पान का वीड़ा है, ये सब माँ को अर्पण करके फिर प्रार्थना करके बाद में आरती इत्यादि करते हैं। अब हम जहाँ पे माँ विराजमान होंगी मध्य में, वो पात्र रख दिया। उनके बगल में आप जानते हैं सबसे पहला स्थान गणेश जी का होता है, गणेश जी को इसमें बैठाएंगे, माता श्री इसमें बैठ जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पर सरस्वती मैया बैठेंगी, उसके बगल में कुबेर जी बैठेंगे, और कई जगह हनुमान जी को भी बैठाया जाता है, तो जैसा होगा वैसा किया जाएगा। अभी पूरी तैयारी होने के पश्चात ही माता जी को नीचे लाना चाहिए, तो माँ का स्वरूप आ गया है। और इसके बाद में जो माँ मूर्ति स्वरूप में है, कई रूप में, इन सबको यहाँ नीचे ला करके इनका जो जो स्थान है वहां पर इनको विराजमान करा देना चाहिए। पूजा कभी भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, मतलब दक्षिण दिशा से हम उत्तर दिशा की तरफ आते हैं, और इस पूजा की प्रधान जो अधिष्ठात्री मैया महालक्ष्मी है वो बीच में रहेंगी, उनकी इधर सरस्वती माता जी हो गई। अब चूंकि कुबेर भगवान नहीं है तो वहां पर हमने सुपाड़ी रख दिया। कई बार ये मूर्तियां ना हो तो जो मिट्टी की मूर्ति है उनको रखा जाता है, अगर वो भी नहीं है तो जैसे आप चावल दोना में रखकर और या वैसे भी रख करके इसके ऊपर सुपारी रख देते हैं। यहाँ पर भी गणेश जी, कोई भी देवता का आप सुपारी पर आह्वान कर सकते हैं, ऐसे लाइन से एक गणेश जी के लिए हो गया, एक लक्ष्मी जी का हो गया, जो प्रधान देवता है उनका थोड़ा बड़ा रखना चाहिए।
अब इसके पश्चात में यहाँ पर कलश रखते हैं। कलश रखने के लिए क्या होता है कि नीचे हम चावल कलश के नीचे चावल रखा जाता है और वहाँ भी रख के आप अष्टदल अथवा स्वास्तिक बना सकते हैं अथवा यहाँ भी बना करके थोड़ा हल्दी इत्यादि के द्वारा आप इसके ऊपर में कलश रख सकते हैं। तो ऐसा एक रूप में आपने स्वास्तिक बना लिया या अष्टदल बना लिया सुंदरता से और इसके मध्य में आपने जो है ये कलश यहाँ पे रखेंगे तो आपको बाद में उठाने में आराम रहेगा। क्योंकि कलश में आप पहले स्वास्तिक बना लेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा, फिर इसमें आप धागा बांध लेंगे तो सबसे पहले इसमें स्वास्तिक बना लेना चाहिए ताकि जब आप उस समय पूजा करेंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान माँ के प्रति रहेगा और इन सब की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। और ये सब कार्य करते हुए आप जो है ओम श्रीम श्री नमः, क्योंकि माता जी का यह महामंत्र है, बीज मंत्र है, इन मंत्रों को भी जाप कर सकते हैं इन मंत्रों के द्वारा। स्वास्तिक बन गया, अब इसमें हम धागा बांध देंगे। पहले धागा बांधने में आराम रहेगा, धागा बांध करके सामने ये स्वास्तिक के सेंटर में होना चाहिए। जैसे बच्चे लोग टाई बांधते हैं या कुछ और बांधते हैं सामने अच्छा लगता है, ऐसे ही ये सामने ये जो है कलश का मुख हो गया और इसको जो है हमको यहाँ सेंटर में रख देना चाहिए। अब यहाँ पर चूंकि अखंड दिया भी रहेगा, माता जी भी हैं, जगह की कमी है, वैसे आप चाहें तो आप सामने बैठेंगे, दिया के लिए एक अलग आप स्थान बना करके कोई रख के कपड़ा बिछा के उसके ऊपर भी दिया रख सकते हैं, पर अपने पास तो अभी ये व्यवस्था है तो ऐसे में हमने अखंड दिया यहाँ बगल में रख दिया। अब ये सब बेसिक तैयारी हो गई है और चूंकि आह्वान हमको स्वरूप में है तो वहीं पर हम आह्वान करेंगे, मतलब पूजा प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ में ही दीप को प्रज्वलित करना चाहिए। और ये तो दीपावली का उत्सव है, इसमें और भी दिया जल जाए तो अच्छी बात है, नहीं प्रधान दिया प्रथम जल जाना चाहिए। अब यहाँ हमारे पास समय का अभाव है या हमें फूलों से भी, अपने पास फूल पर्याप्त हैं, फूलों से भी चारों तरफ सजा लेना चाहिए। बंधुओं, सामान्य रूप से हमने माँ का दरबार सजा दिया, नीचे भी रंगोली वगैरह पूजा के बाद बनाएंगे ताकि बिगड़ेगी नहीं। अब हम पूजा प्रारंभ करते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि गंगा जल में जल मिला करके हमने रखा है, अब सब सर्वप्रथम तीन बार आचमन करते हैं तो ओम केशवाय नमः स्वाहा जल लेकर के पिया, उसके बाद में दूसरी बार ओम नारायणाय नमः स्वाहा, तीसरी बार ओम माधवाय नमः स्वाहा, उसके बाद हाथ धो करके हमने यहाँ कटोरी इधर रखा है यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद आप अपने हाथ पोछने के लिए अलग तौलिया रखते हैं, हाथ पोछ लिया। इसके बाद में अगर सोने का अंगूठी वगैरह पहने हैं तो कोई बात नहीं, तो भी अगर पवित्री उपलब्ध है तो पवित्री धारण करना चाहिए, इनके मंत्र हैं, लेकिन आप धारण कर लेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। कई बार हमको लोग बोलते हैं गुरुजी आप मंत्र नहीं बताते हैं, तो मंत्र में बंधु वही बताता हूँ जो आप उसको प्रयोग कर पाए, इसके बारे में कभी डिटेल में अलग से चर्चा। इसके बाद में फूल लेकर के सभी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, जिन जिन का नाम ले रहे हैं मन में प्रणाम कर लीजिए, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास देवताभ्यो नमः, जिस शहर में उस शहर के बड़े देवता का जो भी प्रधान हो, जैसे मैं अभी वर्तमान में मुंबई में हूँ तो माँ मुंबा देवी नमः, सिद्ध विनायकाय नमः, अयोध्या जी में होता तो अयोध्या नाथाय नमः, काशी में होता तो काशी विश्वनाथाय नमः, ऐसा करके प्रणाम करके गणेश जी के आगे यहाँ पर अर्पण कर देना चाहिए। इसके पश्चात में हम संकल्प करते हैं। संकल्प का जो है बड़ा महत्व होता है, हालांकि आप भक्ति से करते हैं तो ना भी संकल्प करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, पर संकल्प में तीन पदार्थ मेन रूप से है कि आपने जल लिया, चावल लिया, पूंगी फल लिया, दक्षिणा लिया और दूर्वा लिया, अथवा कुसा है तो कुसा लिया। अच्छा, इस बीच में अगर आप सपत्नी पूजा कर रहे हैं तो आपकी पत्नी जी आपके दाहिने बैठेंगी, आपकी बहन बेटी या कोई भी उनका गांठ जोड़ देगी। गांठ जोड़ने की विधि यही होती है कि इसमें आपने दूर्वा चावल सुपारी और पैसा रखकर एक में बांध दिया और उसका ज्वाइंट जो है अपने पत्नी जी के उससे कर दिया। पत्नी जी दाहिने बैठी हैं, पत्नी जी का दाहिना हाथ जो है आपके हाथ के नीचे रहेगा, अथवा आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो ऐसे रख लीजिए, कोई बात नहीं है। अब संकल्प करेंगे, संकल्प में अगर आपको नहीं भी आता है तो आप सुनते रहिएगा, केवल जब आपका नाम का नंबर आएगा नाम ले लीजिएगा, जब भी आप पूजा कीजिएगा वीडियो लगा के संकल्प सुन लीजिएगा, जब नाम का आएगा तो अपने नाम का उच्चारण कीजिएगा। दूसरी बात, जब मैं बोलूंगा चिंतित मनोरथ सिद्ध्यर्थम, तो वहां पर एक कोई भी भावना माता जी के आगे रखिएगा, 10 भावना से पुण्य बढ़ जाता है, वो जल्दी पूर्ण नहीं होता है। अगर हम बहुत श्रद्धा से करेंगे तो पहले भी हो सकता है, पर जो नियम के अनुसार ऐसे करना चाहिए। तो अभी हम संकल्प कर रहे हैं, आप लोग सुनिए, अगर बोल पाइएगा तो बोलिएगा। ओम अद्य पूर्वोपचारित देवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्र, अगर गोत्र मालूम है तो अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, नहीं तो सभी लोगों के लिए ओम काश्यप गोत्र उत्पन्नोहम
शर्मा हम, वर्मा हम जो ब्राह्मण है, शर्मा हम जो क्षत्रिय है, वर्मा हम और जो वैश्य बंधु है, गुप्त हम जो अन्य हमारे भाई बंधु है, सब लोग बोलेंगे भगवत भक्तो हम। जो पत्नी के साथ बैठे हैं बोलेंगे सपत्नी सहितो हम। जो केवल पत्नी है तो मनसा परिदेव सहितो हम, अथवा विवाह दोनों का नहीं हुआ है, अपना स्वयं अकेले कर रहे हैं तो भी जो है मनसा सपरिवार सहितो हम। फिर बोलिएगा मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त अर्थम माँ महालक्ष्मी पूर्ण रूपेण प्रसन्नार्थम तस्य कृपा प्राप्ति अर्थम मम हृदय मम गृहे मम कोशे अचल महालक्ष्मी वास सदा सर्वदा भवनार्थम अद्य पावन दीपावली अमावस्यायाम पर्वो संध्या वेलायाम अथवा जब भी हो पर्वो माँ महालक्ष्मी देव्यस्य भगवान गणपति गजानन माँ सरस्वती वरुण देव कुबेर सहितस्य पूजनम करिष्य। अगर पूरे परिवार कर रहे हैं या कई लोग मिलके कर रहे हैं तो करिष्यामहे, ऐसा बोल करके गणेश जी के आगे रख करके गणेश जी को प्रणाम कर लीजिए, फिर जो संकल्प किया उसको आप पूर्ण करें। बहुत सारी विधियां हैं, फिर दिया को प्रणाम कर लीजिए फूल चढ़ा करके, दीप नारायणाय नमः नमस्कारोमि। इसके बाद में जो प्रथम कार्य हम भगवान का आवाहन करते हैं, आवाहन चावल लेकर के, अभी केवल मूर्ति है, जब मंत्र के द्वारा हम उनका आवाहन करेंगे तो वो जो है प्रतिमा बन जाएगी, हमारे देव बन जाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को ओम मंत्र बहुत है लेकिन इतने बोलना है आपको, ओम गं गणपतये नमः गं गणपतिम आवायाम स्थापयामि। इसके बाद में गणेश जी के बाद में वरुण भगवान का नंबर आता है, तो अब वरुण का कलश की विधि यही है कि नीचे आपने हाथ लगाया धान में, फिर इसके बाद में एक चम्मच जल डाला। अच्छा, जो भी आप ये कर रहे हैं ना, करते समय ओम श्रीम श्री नमः अथवा ओम श्रीम श्री नमः बोलते रहे, जलम जलम समर्पयामि। इसके बाद में आप इसमें जो है पल्लव अर्पण करेंगे, पंच पल्लव अथवा आम्र पल्लवम समर्पयामि। इसकी जगह अगर पल्लव नहीं, आप विदेश वगैरह में है तो पान का पत्ता अथवा गूलर पाकड़ पीपल या जो भी आपको लगता है कि शुद्ध है, ये अच्छा पवित्र पेड़ है, तो उसके पत्ता संयुक्त रूप से रखना चाहिए, अलग अलग ना हो, तो वैसे इकट्ठा जुड़ा हुआ हो वो रखना चाहिए, नहीं तो पान पत्ता है तो जैसी सुविधा हो वैसा रखना चाहिए। इसके पश्चात में दूर्वा डालना चाहिए, दूर्वा डालने के बाद में हल्दी डालना चाहिए, हल्दी की गांठ मिल जाए तो बहुत उत्तम है, वो आपने ये जो पदार्थ डाल रहे हैं वो अंदर चला जाना चाहिए। इसके बाद में आपने पंचरत्न की पुड़िया है नहीं तो उसकी जगह पैसा डाल दीजिए, फिर दक्षिणा की जगह भी पैसा डाल दिया आपने, सुपारी डाल दिया और इसके पश्चात में धागा बंधा इसको टच कर लिया। ये सारा कार्य करते हुए ओम श्रीम श्री नमः बोलते रहिए। इसके पश्चात में इसमें हम पूर्ण पात्र रखते हैं और पूर्ण पात्र ये लिया आपने मध्य में ऐसे बीचों बीच में आपने रख दिया। अब इसके ऊपर में हम नारियल रखेंगे। बंधु ये नारियल है, वैसे हमें केवल धागा बांध सकते थे पर चूंकि माँ का उत्सव है इसलिए इसमें हम कपड़ा लपेट करके पहले से रख देते हैं। ये चुनरी लपेट दिया, आप कुछ भी लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं, दूसरे कलर का भी, चूंकि माँ को प्रिय पीला रंग है तो ऐसा हमने प्रयास किया है, ये रखा। अब चावल लेकर के केवल इतने बोलना है, ओम वरुणाय नमः वरुणम आवायाम स्थापयामि। फिर बोलिए वरुणादि समस्त तीर्थेभ्यो देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे आवानार्थे आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। ये मंत्र ना भी आता हो तो आप सुन लीजिएगा, सुन करके इसे चावल अर्पण कर दीजिएगा। अब नंबर आता है सरस्वती मैया का, तो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला इत्यादि आता है तो बोल लीजिए, नहीं तो ओम सरस्वती नमः सरस्वती आवायाम स्थापयामि, ऐसा करके आपने चावल चढ़ा दिया। इसके बाद में कुबेर भगवान का मुख्य रूप से आवाहन करना है, ओम कुबेराय नमः कुबेरम आवायाम स्थापयामि। बहुत सारी विधियां हैं पर संक्षेप में जो आप कर सकें। इसके बाद में चावल लेकर के सभी के ऊपर में छोड़ देना चाहिए और बोलना चाहिए गणपत्या, अच्छा लक्ष्मी जी का नहीं कराया, हाँ ओम माँ महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मीम आवायाम स्थापयामि। जो प्रधान देवता है उनको सबसे बाद में बुलाया जाता है, महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मीम आवायाम स्थापयामि। अभी सब पे चावल छोड़ेंगे और बोले बोलते रहेंगे गणपत्यादि आवाहिताः देवताः प्राणाः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। अब इनके ऊपर ऐसे हाथ रख करके 15 बार ओम ओम का उच्चारण कीजिए और ये सोचिए कि इनके शरीर में हाथ पैर नाक कान मुंह सब जो है व्यवस्थित हो चुका है। अभी इनका आवाहन हो चुका, इसके बाद में इन सारे देवताओं को स्नान कराने के लिए यहाँ लाना चाहिए। हम यहाँ लाएंगे और माँ का वही जो है नाम, इसमें देखिए हमने फूल वगैरह रख दिया है,
स्वास्तिक वगैरह भी बना सकते हैं पहले से, और माता जी बीच में विराजमान होंगी। बैठाने के बाद चरणों में 4 चम्मच जल, मतलब 1 चम्मच चरणों में कि इनका पैर धुला रहा हूँ, दूसरे में मुख के पास देना चाहिए। और अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो सीधे इनको स्नान भी करा सकते हैं। ओम गं गणपतये नमः, ओम माँ महालक्ष्मी नमः, माँ सरस्वती नमः, ओम कुबेराय नमः, बम वरुणाय नमः, स्नानियम समर्पयामि, ऐसा कर सकते हैं। इसके पश्चात में पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, पंचामृत लेकर के पूरा उसे भिगो जाएं। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि या पंचामृतम समर्पयामि। अब जो माता जी महालक्ष्मी विशेष है उनके ऊपर में ज्यादा अर्पण करना चाहिए। ओम माँ महालक्ष्मी नमः पंचामृतम समर्पयामि, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। इसके पश्चात में बहुत सारी विधियां हैं, पर सामान्यतः आप इनको पुनः जो है जल से स्नान करा देते हैं। शुद्धोदक स्नानियम समर्पयामि। अब भगवान को ऊपर फूल वगैरह अर्पण करके और फिर इनका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करेंगे, अभिषेक में बाएं हाथ से आप घंटी बजा सकते हैं। ओम चूंकि माँ इसकी प्रमुख है तो ओम श्रीम श्री नमः ऐसा बोलते रह सकते हैं, अथवा गणेश जी का मंत्र आया तो ओम गंग गणपतये नमः, सरस्वती जी का आया तो ओम सरस्वती नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः, ओम कुबेराय नमः, कुबेराय नमः। प्रधान जो है सबसे ज्यादा टाइम लोगों से डबल टाइम जो है लक्ष्मी मैया के ऊपर देना चाहिए, बाद में पुनः सबके ऊपर रिपीट कर देना चाहिए। ऐसा आप कम से कम लक्ष्मी जी के ऊपर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट दूध की धार अर्पण कर सकते हैं। उस जल से स्नान कराना चाहिए। जल से स्नान कराने के पश्चात में अब इनको बढ़िया से पोंछ करके और बैठाना चाहिए। अब इनको पूरी तरह से धो लेंगे, फाइनल जिसको स्नान कह सकते हैं। इसमें आप फल वगैरह सभी नहला सकते हैं, सबको एक बार उठा करके फिर पोंछ करके इनके स्थान में बैठाएंगे। इस बीच में ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः अथवा माँ का कोई भी भजन वगैरह आप कर सकते हैं, पर ये मंत्र सर्वोत्तम है महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए, तो ऐसा बोलते रहेंगे। यहाँ आपने बाहर निकाल दिया, ये जो बर्तन है इसको आपने हटा दिया। हटाने के पश्चात में बंधुओं चूंकि माँ को अब यहाँ पर बैठाना है तो हमको तैयारी भी करनी चाहिए। बाकी लोगों के लिए हमने पहले फूल रख दिया था और अब जो है इसमें हम और भी विशेषता करके गुलाब की पंखुड़ियां भी, कोमल पंखुड़ियां, देसी गुलाब की, चाइना माल नहीं, यहाँ पे रख दिया। अब इनको पोछ पोछ करके इनकी जगह पर हम इनको विराजमान करेंगे अच्छी तरह से। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। इस तरह से सबको बैठा दिया। यहाँ केवल कपड़े के ऊपर भी आप बैठा सकते हैं। अब इसके बाद में इनको वस्त्र पहनाया जाता है। सबसे पहले गणपत बप्पा को वस्त्र पहनाएंगे दुपट्टा की तरह। यहाँ आप पारंपरिक जैसे वस्त्र आते हैं वैसे भी ला सकते हैं। मैया को पहनाया, अब यहाँ पर आप साड़ी, सौभाग्य सामग्री इत्यादि भी अगर आपके पास भगवान ने दिया है तो आप पीछे जो है माता जी के रख सकते हैं, उनके निमित्त दान इत्यादि कर सकते हैं। अगर आप स्वयं लेना हो तो जय जय सियाराम, फिर 2 साड़ियां ले, 1 माँ को अर्पण कर दीजिए और 1 दान कर दीजिए। इन सबको वस्त्र हो गया, ये चूंकि पहले से वस्त्र पहने हैं फिर भी पंक्ति भेद ना, इसलिए जो है वरुण भगवान को भी वस्त्र पहना दिया। वस्त्र के बाद में 1 चम्मच जल अर्पण करते हैं। 1 चम्मच जल सबको एक साथ में घुमा के अर्पण कर दिया। इसके बाद में यज्ञोपवीत, ये बहुत बढ़िया हमारे अयोध्या जी से आया हुआ यज्ञोपवीत है। अब ये गणेश जी को यज्ञोपवीत देवताओं के बाएं कंधे पर रहता है। यज्ञोपवीतम समर, यज्ञोपवीत बप्पा के बाएं कंधे पर अर्पण हो गया। इसके बाद में यहाँ कुबेर जी को, चूंकि माँ को तो होता नहीं, कुबेर जी को अर्पण हो गया। और ऊपर में वरुण भगवान है, वरुण भगवान को यज्ञोपवीत हम लोग अर्पण करेंगे। ऐसा भी बोल सकते हैं ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि, ऐसा करके बोल सकते हैं। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद में पुनः आचमन कराना चाहिए। अब चूंकि माता जी जो पीछे बैठी है उनको हमने पहले ही पोंछ दिया था, फिर भी यहाँ मैया के भी स्वरूप के भी, क्योंकि कण कण में माँ विराजमान है। सोचिए आपके यहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई बड़े आते हैं तो उनके सैकड़ों लोग जो है सामने और कितने हजारों मंत्रीगण सब लोग जो है गुप्त रूप से उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे माता रानी के कण कण में, कपड़े में, वस्त्र में, फूल में, हर जगह देव विराजमान है। इसीलिए कहा जाता है कि पूजा का चढ़ा हुआ चावल या फूल इत्यादि जो है अपने पैरों में नहीं लगना चाहिए। माता जी की पूरी सेवा हो जाती, टीका लगा दिया, अब इनको कुमकुम लगा देते हैं। कुमकुम लगाया माँ को, बप्पा को, सरस्वती मैया को, सबको। इसके बाद में इनको उन्हीं के स्थान पर बैठा देते हैं प्रणाम करते हुए कि माँ यहाँ विराजमान हो जाओ
और बाकी हार वगैरह वहीं आपको अर्पण करेंगे। अब टीका लगाएंगे, गंधम समर्पयामी अथवा चंदनम समर्पयामी ऐसा कहकर कई लोग आंख वाँख में भी लगा देते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए कि छोटी बड़ी जैसी प्रतिमा है वैसा जो है टीका लगना चाहिए। सबको टीका लगा करके इसके ऊपर में कुमकुम लगाना चाहिए। कुमकुमम समर्पयामी अथवा ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः। कई बार माता जी विशेष हैं तो उनके हाथ हाथ में भी लगा सकते हैं। तो ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम, ये महामंत्र है, बहुत कल्याणकारी मंत्र है। सारी रात जपिए इस मंत्र को और खूब धन के भागी बनी। इनको भी टीका लगा दिया, जल पहले चढ़ा दिया था, बस चढ़ा ही था, इनको भी बढ़िया लगा के कुमकुम वगैरह से बढ़िया से सजा दिया। वरुण भगवान को भी, तो वरुणम गंध। इसके पश्चात में हल्दी जो है अर्पण कर रहे हैं, हरिद्राम। अब सिंदूर अर्पण करेंगे, सिंदूरम समर्पयामि मातेश्वर्यै नमः। सिंदूर चढ़ाने के पश्चात में चावल चढ़ाएंगे। बंधुओं, जो हम अक्षत चढ़ाते हैं ना, वो धो करके उसमें हल्दी मिला के चढ़ाना चाहिए। कई लोग ऐसे चढ़ा देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। अक्षतान समर्पयामि ऐसा बोलते हुए सभी के ऊपर में आपने अक्षत अर्पण कर दिया, दीप के भी आगे अर्पण कर दिया। इसके बाद में फूल हार इत्यादि अर्पण करेंगे। वैसे तो माला है, पर ये मोगरा माता जी की अब चूंकि विशेष माँ है, ज्यादा बड़ा नहीं करवा पाया, तो ये उनके लिए हो गया और दोनों लोगों और बाकी के लिए सामान्य हो गया। तो ये सबसे पहले उसी क्रम से गणेश जी को ही कुछ भी चढ़ाना है तो अर्पण करेंगे। तो पुष्पहारम समर्पयामि महागणाधिपतये नमः या गणगणपतये नमः, माँ महालक्ष्मी नमः पुष्पहारम समर्पयामि। इसको थोड़ा सा ऊंचा करना चाहते हैं तो नीचे आपने एक फूल लगा दिया तो थोड़ा सा और ऊंचा हो गया। पुष्पहारम समर्पयामि मातेश्वर्यै नमः अधिष्ठात्रे नमः। और भी अगर आपको लगना है कि पास में जाना चाहिए तो ऐसा एकाध फूल यहाँ भी लगा दिया, एकाध फूल उस साइड भी लगा देंगे। तो सुगंधित पुष्पम समर्पयामि, सभी को सुगंधित फूल मिल गया। इसमें भी और सुगंधित जो है चंपा का फूल है, वो देवताओं के पास में अर्पण होना चाहिए। और मंत्र वही जपते रहे, ओम श्रीम श्री नमः सुगंधित पुष्पम समर्पयामि। ओम गणपत बप्पा को दुर्वांकुर और जो है वरुण भगवान को दुर्वांकुर अर्पण करेंगे, बिलुपत अर्पण करेंगे। बिलुपत सबको चढ़ाते हैं, माता जी का तो बहुत ही प्रिय है, उनका नाम ही बिलुपत को लेकर बहुत सारा नाम है। तो माँ को चढ़ाएंगे, वरुण भगवान को चढ़ाएंगे, सबको बिलुपत अर्पण करेंगे। इसके पश्चात में तुलसी चढ़ाएंगे, तुलसी मैया को बहुत प्रिय है, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है। तो माता जी के यहाँ भी अलग अलग श्रृंगार आप बना सकते हैं तुलसी का, सामान्य रूप से भी तुलसी ऐसे आगे माँ के अर्पण कर सकते हैं। ओम माँ महालक्ष्मी नमः तुलसी दलम समर्पयामि। इधर बंधुओं, माता जी की इच्छा है कि अकेले हमको ना मिले, सभी को मिले। नहीं, अगर ज़्यादा जगह होती तो केवल मैया को रहता, पर ऐसा माता जी की इच्छा है कि सभी को एक साथ में मिल जाए। वैसे पुष्पहारम समर्पयामि, अलग अलग भी हार पहना सकते हैं, बढ़िया हार हो तो जैसी सुविधा हो जगह हो वैसा अर्पण करना चाहिए। गुलाब से श्रृंगार हो गया। अब माता जी का प्रिय फूल जो है, ओम श्रीम श्री नमः कमल पुष्पम समर्पयामि, माता जी के आगे ये पुष्प जो है अर्पण कर दीजिए। आज के दिन बड़ा ही महत्व होता है, एक 11, 5, 7, 9 जितना भी हो। इसके बाद में और भी जो सुगंधित फूल हैं अगल बगल, उनका स्वरूप का दर्शन भी होता रहे और आप सजा भी दें, अर्पण करने ऐसे सभी को अर्पण करना चाहिए। कुछ कुछ फूल जो भी हैं आपके पास में, ये इसके बाद ये माता जी का विशेष जो है सजाने के लिए लाया हूँ, पर माता जी के सुपारे के फूल से भी अर्पण सजा दिया। अब जो है धूप करेंगे, दीप करेंगे। बंधुओं, धूप दीप के पहले जो है माता जी को ये भी अर्पण करते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, प्राकृतिक लगता है, धान्य जो है ताकि घर में धन धान भरा रहे, और माता जी को असली धान तो ही है। धूप दीप प्रज्वलित हो गया, एक जल का सर्कल बना के छोड़ दिया। इसके बाद में धूप दिखा दिया माँ को, वही गणेश जी से प्रारंभ होगा, सभी देवताओं को धूप दिखा दिया। इसके बाद में धूप भगवान के लेफ्ट साइड में रखना चाहिए, यहाँ रख दिया हमने। इसके पश्चात में सबको दिया दिखाना चाहिए एक ही बार, दिया के थ्रू जो है माता जी के प्रभु के सभी के श्रृंगार का दर्शन करना चाहिए। बढ़िया से दिया दिखा दिया। अब इसके बाद में दिया भगवान के दिखा के सामने रख देना चाहिए, यहाँ रख दिया। अब भोग आगे रखेंगे, भोग की थाली रख दिया, ये पंचामृत रख दिया। अब इसमें माता जी के भोग में तुलसी दल अर्पण होता है, क्योंकि गणेश जी भी डाल दिया, फल में भी डाल दिया। और इसके बाद में 4 चम्मच जल घुमा करके कि माँ हाथ धो लो, मुंह धो लो इत्यादि भावना से अर्पण करना चाहिए। फिर कम से कम 2 मिनट 4 मिनट ओम श्रीम श्री नमः अथवा लक्ष्मी जी का कोई स्तोत्र याद है उन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसके पश्चात पुनः जो है कम से कम 2 बार जल घुमा करके कि प्रभु सभी लोग हाथ धो लीजिए,
मुंह धो लीजिए चार भावना से, फिर चंदन लेकर के ऐसे उंगली में हल्का हल्का सबके ऊपर में गंधम समर्पयामी अर्पण कर देना चाहिए, फल को स्पर्श कर लेना चाहिए, फलम समर्पयामी। अच्छी बात तो यह है कि फल को काट के छील के बढ़िया से अलग प्लेट में आप बढ़िया से रख दीजिए। पंचमहा चार भी भोग लगा सकते हैं, धनिया गुड़ का भी परंपरा भी लगा सकते हैं। और इसके पश्चात में पूंगी फल की बात आती है, इलायची छील करके पूंगी फल मतलब सुपारी इलायची छील करके अंदर रखे, ताकि जैसे आपको अगर उसका छिलका के सहित दिया जाए खाने को तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही माँ को सर्वोत्तम रूप करके देना चाहिए। बाकी देवताओं का भी अलग अलग बीड़ा बनाना चाहिए, बाकी सभी के लिए साथ में पान सुपारी लौंग इलायची रख दिया, जिसकी जो कम ज्यादा इच्छा हो खा ले। इसके पश्चात में दक्षिणा भी सबको अलग अलग चढ़ाना चाहिए, माता जी को विशेष अर्पण करना चाहिए। और अच्छी बात है कि सोना चांदी कुछ वो हो वो अर्पण करना चाहिए सभी के पास में। और इसके पश्चात में आज के दिन इसका बड़ा महत्व है, ये जो घूमती चक्र है और ये कौड़िया है, ये आप ज़्यादा हो कलश के अंदर भी डाल सकते हैं अथवा माता जी के नज़दीकी अर्पण कर सकते हैं। इन कौड़ियों का भी लौकिक रूप में बड़ा महत्व माना गया है, पर मेरी दृष्टि में है कि जितनी श्रद्धा से जितनी सरलता से हम जितनी मन लगा करके मैया की सेवा करेंगे उतनी उसका महत्व बढ़ेगा। बाकी इन चीज़ों का तो कोई अंत नहीं है, सामान्य से लेकर बड़े तक। अब इतनी सेवा हो गई इसके पश्चात में पुनः जो दूसरा दिया मैंने रखा है, चूँकि ये जो दिया जलाया वो तो अर्पण हो चुका, अब दूसरे दिया जला करके आरती करना चाहिए। आरती जला के थाली को भी यथासंभव सजा के अब आरती करना चाहिए। पूरे इस आरती के द्वारा माँ का ओम जय लक्ष्मी माता अथवा जो भी आरती आप करना चाहें खूब आराम से अपना कीजिए। सब लोग पृथक पृथक आरती कीजिए, उसके बाद में एक जल का सर्कल घुमाइए और घुमा करके हाँ अर्पण कर दीजिए। इसके पश्चात में आरती ले लीजिए। आरती लेने के बाद में कुछ आरती का न्योछावर करके आरती लेना चाहिए, उसके बाद में हृदय में लगाना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए, धो के छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में कम से कम आपने इतना सेवा किया, 5 मिनट 7 मिनट माँ के पास बैठ करके ओम श्रीम श्री नमः केवल हल्दी कुमकुम चावल अथवा फूल से ओम श्रीम श्री नमः ओम श्रीम श्री नमः ऐसे अर्पण कर सकते हैं, जो सबसे सुगंधित फूल हो अच्छा फूल हो। और मैं एक श्री सूक्तम का पाठ आप माँ को सुनाता हूँ, वो आप लोग भी अपने यहाँ पूजा करने के पश्चात बैठ करके ऐसे फूल जो है से ओम श्रीम श्री नमः ऐसा बोलते रहिए अथवा केवल माँ को निहारते रहेगा, उनके श्रृंगार को निहारते रहेगा और इन मंत्रों को सुनते रहिएगा। जैसा दीपावली का मुख्य त्यौहार है तो 5 दिया 7 दिया 9 दिया 11 दिया से पूरा माँ के दरबार को जगमगा देना चाहिए। बाहर तुलसी जी इत्यादि के पास रख के सबको प्रणाम करके आके आराम से बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ श्रवण करेंगे, उसके बाद प्रदक्षिणा वगैरह करके प्रणाम करके सांसारिक काम करेंगे। उसके बाद में मध्य रात्रि में सिंह लगन की पूजा होती है, उसका वीडियो पुराने साल का है, इस साल भी समय मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा अथवा कोशिश करूंगा कि लाइव पूजा ही करा दूं, जैसी माँ की इच्छा। तो अभी आप श्री सूक्तम का श्रवण करते रहिएगा और माँ के पूरे स्वरूप का दर्शन करते रहिएगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विन्देयम् गामस्वम् पुरुषाणाम् अशुपूर्वामृत मध्याम हसनार प्रमोदनीम श्रियम देवीम उपहवे शीर्मा देवी जुस्ताम काम सौस्मिता हिरण्य प्राकारा मार्दाम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपहवे श्रियम चंद्राम प्रभासाम यस्या ज्वलंतीम श्रियम लोके देव जुष्टाम उदाराम ताम पद्मनेमीम शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम ताम वृणे आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्थ वृक्षोधि बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तराया च वाहया अलक्ष्मीः उपैत् माम देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे सुपिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वानृणोद्मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करिष्यणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकोतिम् वाचः सत्यमसि मयि पशूनाम् रूपमन्यस्य मयि श्री सरदामसः क
कर्दमेन प्रजा भूता मयि शंभो कर्दमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकलेत्वस्मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम् महावः जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावो दास्यो श्वान् विन्देयं पुरुषाणः यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुह्याराजमन्वः सूक्तं पञ्चदशार्धं च श्रीकामः सततं जपेत् ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः प्रो श्री गजानन गणेश भगवान की जय महालक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय कुबेर भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय समस्त देवी देवताओं की जय अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। इस तरह से आप उत्सव मना सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आरती नहीं दिखाना चाहिए, बहुत सारी गलत फहमी आज इतना नकली वाद भर गया है कि उसमें हम सभी लोग असली को भूल जाते हैं। दूसरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, जल्दी आप तक शायद मैं कभी आपसे निवेदन किया हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैया ने दो दिन पहले एक वीडियो बनवाया था अपनी सेवा का, शायद कुछ मुझसे दास से कमी रह गई होगी, तो वीडियो हमने डाला भी 100-150 बंदों ने देखा भी लाइक भी किया, लेकिन बाद में बेटे की नज़र पड़ी कि वीडियो में 50 सेकंड का गैप है, वीडियो आगे जा आवाज़ आगे जा रही है, वीडियो जो है पीछे जा रहा है, तो तुरंत उसको डिलीट किया गया। बड़ी व्यस्तता रही और अभी भी भाग के आया और जैसे भी करके 5-6 घंटे में माँ की किसी तरह से एक सामान्य रूप से सेवा आपके आगे रख पाया। लेकिन मुझे लगता है कि गुरु जी की कृपा से, माता पिता की कृपा से, मत लक्ष्मी जी की कृपा से सामान्य रूप से हर कोई कर सके और बढ़िया विधिवत कर सके। माँ ने वो करा लिया शायद घर में, उस दिन भी जितना हो पाएगा कम हो पाएगा मैया जाने। तो आप सबसे निवेदन, इस वीडियो को प्लीज कृपया शेयर कीजिएगा, लोगों में खूब भेजिए, लोगों को थोड़ा जागृत कीजिए और इस खास करके इसके बारे में ज़रूर अवश्य आप सब लोग आपस में भेजिए, आनंद लीजिए। और जो भी कुछ सवाल हो, प्रश्न हो, कमेंट्स में लिखिए, और कोई पर्सनल बात हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप कर सकते हैं, पर सार्वजनिक अगर कोई ऐसा प्रश्न है तो उस पर ही करना यूट्यूब पर ही, ताकि और बंधुओं को भी पता चल जाता है। आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो मैया की सेवा में, प्रभु की सेवा में दिन रात लगे हैं, और आप लोगों की भावनाओं से, कमेंट से और भावनाओं को जान करके हमारा हृदय गदगद हो जाता है कि हम और कितना अच्छी तरीके से मैया प्रभु की सेवा हम आपके आगे और भी बहुत सारे जो भी अपने भारतीय सनातन धर्म के सत्कर्म हैं आपके आगे रखने का प्रयास करूं, जिससे इस पूरी नकलीपना का जो जाल भर गया है, इतना चीज़ें हो गई हैं उसमें असलीपना चला गया है। तो जय सियाराम बंधु, पुनः आप पूरे परिवार को दीपावली महोत्सव की हृदय से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, पूरे हिंदू रिचुअल्स परिवार की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से और हमारे मैया की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, मंगल कामना। जय सियाराम।